31. मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, शायद आप जानते हैं, रिच मैन एंड लाजरस। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेगा। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस, आप जानते शायद। देयर वाज अ सर्टेन रिच मैन हु वाज क्लोथ्ड इन पर्पल एंड फाइन लिनन एंड फेयर्ड सम्प्टुअसली एवरी डे, यानी बहुत अच्छा से खा रहा था एवरी डे, बहुत एक रिच आदमी था। But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed,
so that those who want to pass from here to there cannot, nor can those from there pass to us. Then he said, I beg you, therefore, Father, that you send him to my father's house, for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if only one goes to them from dead, they will repent. But he said to them, if they do not hear Moses and prophets, neither will they be persuaded through one rise from the dead. शायद आपने अभी तक सुन लिया होगा कहानी को. ये बहुत रिच मैन, एक बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत सुंदर कपड़ा पहनता था वो, पर्पल में, बहुत दामी कपड़ा, पर्पल और लिनन, बहुत दामी वाला कपड़ा में पहनता है, और हर दिन अच्छा खाना, अच्छा भोजन करता है, पार्टी करता है, भोजन करता है, अच्छा खाना खाता है. और उसके घर के गेट में एक बेगर, एक भिखारी रहता है, उसका नाम लाजरस बताया. और वो भिखारी उस आशा में बैठता था कि उस रिच आदमी का टेबल से जो खाना, जो दाना गिरता है, उसको जब डस्टबिन में फेंक जाता है, फेंक देता है, तो उसे थोड़ा कुछ खाने के लिए उस आशा में वो उस गेट में पड़ा रहता था. और उसका शरीर में भी इतना घाव हो जाता था, और कुत्ते लोग भी उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए आता है, खाने के लिए आने से उसका घाव को चाटता था. ऐसा हालत में वो, बहुत तकलीफ अवस्था में वो उसका जिंदगी गुजर रहा था वहां पे. और क्या हो जाता है, एक समय आ जाता है कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद में वो बेगर लाजरस मर जाता है. और वो मर जाने के बाद एंजल उसको अब्राहम का बोसम, अब्राहम का गोद में उसको स्वर्ग में, पैराडाइज में ले जाता है. और उसके बाद कुछ दिन के बाद में वो धनवान व्यक्ति भी मर जाता है, और उसको 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 दफना देता है, और उसका आत्मा में कहाँ चला जाता है, उसका आत्मा हेडिस में, नरक के उस कुंड में जाता है, जहां में जो खराब, जो पापी लोग रहता है, उस जगह में वो उसको लेके चला है, उसका आत्मा वहां पहुंच जाता है. और वो बहुत तकलीफ में वहां में रखता है, इतना गर्म आग से वो जूझ रहा है, इतना गर्म से आग से वो जूझ रहा है, और तकलीफ उसका जीवन में हो रहा है. और जब वो आंखें उठा के देखा है, तो वहां पे वो लाजरस उस बेगर को दिखाई देता है, जो उसका गेट में पड़ा रहता था. कभी उसने उसको कुछ मदद नहीं किया, कुछ कपड़ा नहीं दिया, या कुछ खाना नहीं भेजा उसके लिए, या तो उसके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया. उस आदमी लाजरस वहां में बैठा हुआ अब्राहम के साथ में, इतना आराम से, ठंडगी सुकून से बैठा हुआ है. कितना सुकून, कितना आराम है ना, परमेश्वर का गोद में होता है, उसका बाजू में होता है. तो उस धनवान व्यक्ति ने अब्राहम को, पिता अब्राहम, लाजरस को यहां भेज दो, ताकि वो उसका उंगली को पानी में थोड़ा डुबा के मेरा जो जीव को थोड़ा ठंडक पहुंचाने के लिए, यहां प्यास से, गर्म से मैं तड़प रहा हूं, मेरा इस तड़पने को, बस पानी भी नहीं मांगा है, उसका उसका जो फिंगर है, उसका जो अंगूठा है, थोड़ा सा पानी में लगा के मेरा अंगूठा में ऐसा लगाओ. सोच के देखिए, कितना पानी भी नहीं मांगता है नरक में लोग, सिर्फ पानी का वो जो जस्ट थोड़ा सा ड्रॉप भी नहीं है, होना चिरक जस्ट उसके लिए तरसता है, ऐसा करने दो बोल के जब अब्राहम को कहता है, तो अब्राहम कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे और लाजरस के बीच में एक बहुत फासला है, वहां से यहां नहीं आ सकता, यहां से वहां नहीं जा सकता.
तो उपाय नहीं है। तो उसने क्या कहा वो धनवान व्यक्ति ने, तब तो अब्राहम ऐसा कीजिए, फादर मेरा घर में, मेरा पिताजी का घर में मेरा 5 भाई है, उन लोग भी रिपेंट नहीं हुआ है, परमेश्वर को नहीं जाना है, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, दुष्ट काम कर रहा है, खाने पीने में, नशा में, खराब काम में वो बिजी है, इन लोग को यहाँ नहीं आने के लिए लाजरस को उसमें भेज दो, फिर से जिंदा वापस भेज दो मेरा घर में, ताकि जब लाजरस को देखेगा तब लोग रिपेंट हो जाएगा बोलके। तो अब्राहम ने कहा इन लोगों को बताने के लिए वहां में प्रोफेट्स लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, मोजेस है और प्रोफेट्स है, इसलिए लाजरस को वहां जाने से भी कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी प्रोफेट्स लोग हैं, टीचर लोग, प्रीचर लोग हैं, अगर इनका बात को वो नहीं मानते हैं तो कोई मुर्दों से भी जीत के आने से भी उसका बात को नहीं सुनेगा बोल के अब्राहम ने कहा है, इसलिए लाजरस को नहीं भेजा है। तो वो रिच मैन वही में रह जाता है नरक में टॉर्मेंट होके, और उसके भाई लोग अनरिपेंटेड स्टेट में, मन नहीं बदला है अभी तक, परमेश्वर को नहीं जाना है, बोर्न अगेन नहीं हुआ है, उस हालत में उसका घर में 5 भाई लोग जी रहा था उस समय। देखिए ये कहानी का जो बहुत सारे इसका मीनिंग है, क्योंकि ये पैरेबल है तो इसका बहुत सारे मीनिंग होगा, जस्ट मैं उसका जस्ट थोड़ा सा मैं आज जो लेना चाहता हूं कि हम लोग जब जिंदा होता है, आज हम लोग उतना ध्यान नहीं होता है लाइफ आफ्टर डेथ, बोलता है कि मरने का बाद क्या, नरक होता है ना स्वर्ग होता है ना, कहाँ जाए मेरा आत्मा, नरक जाओ स्वर्ग जाओ मुझे परवाह नहीं है, लेकिन हमको एंजॉय करना है, हमको जीना है, इस दुनिया में मजा करना, मस्ती करना, उस टाइप का लोग सोचते हैं। लेकिन भी ऐसा समय आएगा एंड इट विल बी टू लेट, अरे काश मैं रिपेंट होता, काश मैं उस वचन को सुनता, काश मैं उस दिन ये डिसीजन को लेता, काश मैं जीसस को एक्सेप्ट करता अपना लॉर्ड एंड सेवियर, काश मैं उस लाइफ को छोड़ देता और यीशु को एक्सेप्ट करके मैं इस दिशा में चलता तो आज इस नौबत में मुझे नहीं पहुंचना था। हम सब सोचने का जगह आएगा ये रिच मैन का जैसा, रिच मैन में भी उसने प्रीचिंग को सुनते रहा है, टीचिंग को सुनते रहा है, ये करो वो करो ये मत करो ये पाप है ये अच्छा है, दूसरों को मदद करो, गरीब को दान दे दो, मदद करो, खराब काम बदमाश काम मत करो, सब उसने अपना लाइफ में सुनते रहा, लेकिन उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया उस बात को और नहीं किया, लाइफ ऐसे ही होगा, आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ, मुझे एंजॉय करना है, मुझे ऐश करना, खाना पीना एंजॉय करना है ना। एक इवांजलिस्ट आया था, हमको ये कहानी को बताया था, रिच मैन का कहानी को बताया था, कितना दुख होगा उस दिन आप सोच के देखिए, उस रिच मैन से और दुख होगा आप उस दिन नरक में आप अपने को पाएगा। तो मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा, कर्ज नहीं दे रहा, ओके, आप रिपेंट नहीं होगा तब उस आदमी का ही जैसा होगा, हम खुद भी है ना, पास्टर लोग नरक में, डिवाइन रेवलेशन ऑफ हेल में दिखाता है कि नरक में पास्टर लोग भी है, इवांजेलिस्ट लोग भी है बोलता है वहां पे, और इन लोग क्या हुआ में प्रीचिंग कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, रिपेंट हो जाओ, मन फिराओ, कुछ काम का नहीं, खुद वो जल रहा है वहां पे। शायद आपका लाइफ में वो प्रोफेट में आया होगा आपके लिए, वो मोजेस में बन के आया होगा आपको, आपको कह रहा होगा कि रिपेंट हो जाओ, आप दुनियादारी से दूर हो जाओ। ये आदमी रिच मैन, he was having every good thing of this world, acha har cheez uske paas mein, he was living a very very enjoyment enjoyable life, bahut khushi aur aish aaram usko jo chahiye
उस जीवन में वो जी रहा था, कुछ भी कमी नहीं। एवरीडे पार्टी, एवरीडे डिस्को, एवरीडे हर चीज का वहां में मनोरंजन हो रहा है। लेकिन उसका लाइफ क्या हुआ? उसका लाइफ अंत में अपने आप को नरक में पाया है। बाइबल में कहता है लूक चैप्टर 9 वर्स 25 में, आइए इसमें पढ़ते हैं, लूक का 9 का 25 में। लूक 9:25, फॉर व्हाट प्रॉफिट इज इट टू अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड इज हिमसेल्फ डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। हालेलुया। उस व्यक्ति के लिए क्या फायदा, उसने सारा इस दुनिया को वो पा लिया, यानी सब कुछ इस दुनिया में, इस दुनिया में सब कुछ जो भी इस दुनिया में आज उनको मिलना था उसने सब कुछ मिला है, एंजॉय किया है। लेकिन उसको करने के बाद, इस दुनिया को मिलने के बावजूद भी अपना आत्मा को वो खो देता है, तो उसका क्या फायदा? हालेलुया। हम लोग अपना आत्मा के लिए आया है, दूसरा चीज के लिए नहीं है। यहाँ पे मेन हम लोग का मोटो है हमारा आत्मा बचने के लिए, हेवन के लिए क्वालिफाइड होने के लिए आया है। यहाँ पे एक बड़ा ऑफिसर, टैक्स एंड एक्साइज सुपरिंटेंडेंट, 2009 में उसका ऑफिस में मैंने गया, तो वो एक ब्रदर बिलीवर है, बहुत अच्छा बिलीवर है, उसने कहा भाई मैं बहुत सारा कमाई कर सकता है, लेकिन कमाई करके भी मैं, मेरा आत्मा अगर खो जाएगा तो, वे इफ आई लॉस इटर्निटी, स्वर्ग को मैं खो देगा तो ये इतना पैसा कमा के क्या फायदा हो गया? इसलिए मुझे नहीं चाहिए घूस, पैसा नहीं चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, इस ऑफिस से मैं जा रहा हूँ, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो रहा है बोल के वो बोल रहा था। हालेलुया। उसने ये वचन को जानता है, गेनिंग द होल वर्ल्ड बट लूजिंग योर ओन सोल, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ इट? हालेलुया। उसने जाना इस बात को, इसलिए नहीं पैसा नहीं चाहिए हमको, हमको गरीब गरीब में रहना है, जो सैलरी मिलता है उसके साथ में मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन आई वॉन्ट टू गो टू हेवन, हमको स्वर्ग चाहिए। हालेलुया। इसलिए सारा दुनिया को हम पा लिया, सब कुछ एंजॉयमेंट, जो भी आप इस दुनिया में जो भी एक्सपीरियंस करना चाहता है, आज दुनिया क्या है, आज का जमाना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सब एक्सपीरियंस करो बोलेगा सोसाइटी, आज का दुनिया, आज का हम लोग का नॉर्म से वर्ल्ड व्यू है, एंजॉय लाइफ, जो भी आप कर सकता है वो उधर जा सकता है, ये कर सकता है, जो भी आप कर सकता है, जैसे भी आप चाहिए। तीन में भी इसलिए लिखा लिया है ना, एक्लेसियोसिस का 11 का 9, बट बहुत बड़ा बट है हम लोग के लिए, एट द एंड वी आर गोइंग टू बी जज फॉर एवरीथिंग व्हाट वी डू। हालेलुया। जो हम आज कर रहा है, आप बोलेगा जजमेंट करने दो ना, ये करने दो ना, वो करने दो ना, बट एक दिन आप जजमेंट का उसमें जजमेंट डे में आप स्टैंड करेगा, और आप जैसे किया है, आपका जो किया है उसका ऊपर में आपको जजमेंट दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए बच्चे लोग, आप लोग बहुत छोटे हैं, यू आर वेरी यंग, अभी बहुत अच्छा समय है आपका लाइफ को बनाने का, सही दिशा में लेके जाने का। आप इधर उधर मत देखिए, परमेश्वर को अपना हृदय में रखिए, अपना लाइफ में एक पैशन बनाइए, मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए, उस ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर को सोचिए ना, हेल्प मी टू हैव माय क्लीन आईज, क्लीन थॉट्स, क्लीन डिजायर्स, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड स्ट्रेंथन मी, लॉर्ड हालेलुया, एवरी डे आई शुड प्रे, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं ऐसे, लॉर्ड
बाइबल इसलिए Psalms number 23 verse 3 में कहता है, He leads me in the path of righteousness. Hallelujah. धार्मिकता का मार्ग में वो हमें लेके चलता है. Hallelujah. बहुत तकलीफ नहीं है brothers and sisters. Holy life जीना, परमेश्वर का इच्छा करना, दुनिया को छोड़ना, पाप को छोड़ना है. It's not very difficult. Habits को छोड़ना difficult नहीं है. आप सोचते हैं कि difficult है. आप एक desire आपका हृदय में आने से आपको परमेश्वर उसका धार्मिकता का मार्ग पे लेके चलेगा. आई डोंट नीड टू डू मच. परमेश्वर का धार्मिकता में जब हम चलने लगता है तो लॉर्ड डस एवरीथिंग फॉर मी. हालेलुया. आप जो पहले पाप जो हैबिट्स पसंद करता था उसको आप नफरत करने लगेगा, आप उसको अच्छा नहीं लगने लगेगा. बिकॉज द लॉर्ड इज टेकिंग यू टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस. हालेलुया. तब उस समय में क्रिश्चियन लाइफ, होली लाइफ एंजॉय हो जाता है. हालेलुया. होली रह के, पवित्र रह के, अनकॉम्प्रोमाइज में रह के, ट्रांसफॉर्म लाइफ में रह के आप एंजॉय करने रहते हैं. व्हेन यू वॉक द पाथ ऑफ राइटियसनेस. हालेलुया. एंड द लॉर्ड इज लीडिंग यू आउट देयर. इसलिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रार्थना कीजिए. इतना दूर मनीगांव से, मेचुका से आप इतना आके यहाँ पे इंक्योंग तक पहुंच के आप उस राइटियसनेस को, उस धार्मिकता, उस मार्ग को नहीं मिलाए तो मैं नहीं बोल रहा कि इंक्योंग का जो आया है आपको नहीं बोल, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना. व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मेचुका एंड मनीगांव. कितने लोग मेचुका से आया है हाथ दिखाए तो, और मनीगांव से आने वाला. हालेलुया. इनके लिए जोर से थाली. व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग इतना दूर आके व्हेन यू आर नॉट वॉकिंग द पाथ ऑफ राइटियसनेस. धार्मिक कर रहा पे नहीं चलाए तो क्या मीनिंग है. व्हाट इज द यूज ऑफ इट. व्हाट यू हैव गेन बाय कमिंग हियर. ऑफ कोर्स हम लोग एंजॉय भी करना है. आज जैसे हम लोग सीनरी जो सीन को भी एंजॉय करके आए, यहाँ का जो बहुत सुंदर है अपर सियांग, और यहाँ का खेती खेत बहुत सुंदर है, पहाड़ सुंदर है, नदी सब कुछ सुंदर, हम एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ में. बट द मोस्ट थिंग इज दैट हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ से शुरू होना है. हालेलुया. पाथ ऑफ राइटियसनेस यहाँ से शुरू होना है. हालेलुया. इसलिए अंत में एक वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे. पॉल ने उस चीज को जाना है, गेनिंग द होल वर्ल्ड एंड लूजिंग हिज ओन सोल. इस दुनिया को मिलके अपना आत्मा को खोना क्या मीनिंग है बोल के पॉल ने जाना. इसलिए पॉल फिलिपियंस चैप्टर 3 का वर्स 9 में पॉल ने कहा है, फिलिपियंस का 3 का 9 में, दैट आई मे गेन Christ. Hallelujah. It's on church. क्योंकि इन लोग क्या है, सेलिब्रिटी चर्च बनाना चाह है, सेलिब्रिटी चर्च बनाया. फिल्म स्टार लोग, हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस आता है, पॉप सिंगर्स लोग आता है, इन लोग का वे में करता है चर्च को, इन लोग का लेवल में करता है, इन लोग का डिजायर में करता है. तो ऐसा करते 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 क्या है, धीरे 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 करके डाउन होके आज पाप में कोई पास्टर लोग नहीं है वो चर्च में. बिलीवर्स लोग बहुत डाउन होके बैठा हुआ है. दुनिया को पाके हम लोग यीशु को नहीं पा सकेगा. कंप्रोमाइज लाइफ में हम लोग नहीं जी सकेगा. एक को चुनना पड़ेगा. इसलिए पॉल ने चुना है, यीशु मसीह को चुना है उसने. आई हैव चूजन क्राइस्ट, आई हैव lost everything. दुनिया को मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा सब privilege को छोड़ दिया, मेरा सब background को छोड़ दिया, सब enjoyment को, worldliness को, life's good सब कुछ मैंने छोड़ दिया यीशु मसीह को पाने के लिए. हालेलुया. यीशु को पाने के लिए हमको कुछ खोना पड़ेगा. You cannot enjoy this world and at the same time you cannot gain Christ. हमको दुनिया को छोड़ना पड़ेगा.
और ऐसे होने से क्रिश्चियन लाइफ बहुत बोरिंग है, बोल के भी नहीं है रे, कोई कोई सोचता है बहुत बोरिंग है, मजा नहीं है बोल के ना। हम भी ऐसे सोचता था व्हेन आई वाज यंग, छोटा समय में स्पिरिचुअल लाइफ बहुत तकलीफ है, हर समय प्रार्थना तकलीफ होगा बोल के ना, बहुत स्ट्रगल करता था 13-14 ईयर्स में, बहुत स्ट्रगल 15 ईयर्स तक। इसलिए मैं उस गीत को भी मुख ये नाम दू नाम नो आपो नो ये लखा, उस गीत को लिखा उस समय में व्हेन आई वाज वेरी यंग, बहुत छोटा समय में मैं स्ट्रगल कर रहा था, ये दुनिया भी अच्छा है तो ये एंजॉय कर रहा है दोस्तों, और चर्च भी होलीनेस अच्छा है, यीशु अच्छा है, होली लाइफ स्वर्ग पाने से अच्छा है, लेकिन ये दुनिया ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन भी दुनिया में जाने से शांति नहीं होगा, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। और होली हो जाने से लाइफ को टोटली सरेंडर करने से मजा नहीं होगा, बोरिंग होगा क्या लाइफ, एंजॉयमेंट नहीं होगा बोल के हम सोचता था। बट द टर्निंग पॉइंट कम व्हेन आई टोटली इन द 1996 दिसंबर, टोटली जब मैंने यीशु मसीह को अपना लाइफ को टोटली 100% मैंने सरेंडर किया है, नेवर टू लुक बैक, पीछे नहीं देखने के लिए मैंने सरेंडर किया है, तो उसी समय से I tell you, my dear brothers and sisters, living a Christian life, a holy life, is not a boring life. Hallelujah! Hallelujah! कभी भी boring आपको अरे भैया तो बहुत boring, मेरा कुछ believer लोग भी है, youth लोग है, कभी pastor उदास उदास जैसे लगता है बहुत, कभी भी नहीं लगता है ना मेरा youth लोग, every time I am excited. Every time I'm happy, hallelujah. Every time I'm passionate about something, hallelujah. ये मेरा youth pastor, former youth pastor, Adam यहाँ बैठी है, वो देखा मेरा life को. I enjoy my life. I enjoy living my life in Christ, hallelujah. पाप नहीं करके भी enjoy कर सकता है, hallelujah. है ना, गंदा काम नहीं करके भी एंजॉय कर सकता लाइफ को, हालेलुया। दारू नहीं पी के भी हम लोग एंजॉय कर सकता है, हालेलुया। लोग सोचते हैं ना एंजॉय थोड़ा एंजॉयमेंट करेगा, उन्हें से केन लेगा, थोड़ा सा उधर कोना में बैठेगा, कलवर में बैठेगा, वो एंजॉयमेंट नहीं सोचते हैं। हम लोग तो घर में बैठ के भी हम लोग म्यूजिक सुन के, अच्छा म्यूजिक सुन के एंजॉय करता है, अकेला जाके भी ड्राइविंग करते हुए परमेश्वर का वर्शिप म्यूजिक सुन के एंजॉय करके जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, रखबा संदाराबा खुराबाबा, हालेलुया। इसलिए मैं ट्रैवलिंग भी अकेला करना चाहता है, दो दूसरा लोग का जाने से क्या है, मैं अकेला जाने से टेप सुनेगा, म्यूजिक सुनेगा, वर्शिप कर, कभी कराओके लगाएगा, गाएगा, वर्शिप करेगा, कभी प्रीचिंग सुनेगा, ऐसा करके 7-8 आवर्स कब इटानगर पहुंच जाता है, बंदरद्वा आ जाता है, हालेलुया। ऐसा एंजॉय कर सकते हैं हम लोग अपना लाइफ को, एंजॉयमेंट पाने के लिए आदमी लोग रास्ता में रुक के बार में थोड़ा सा कुछ मार देते हैं एंजॉय। होली लाइफ रह के भी पवित्र आत्मा में परमेश्वर के साथ में रह के हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए मैं जो अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो सोच रहा है वो बहुत गलत है, यीशु को मेरा लाइफ पूरा दे देगा तो मेरा लाइफ सत्यानाश हो जाएगा बोल के आप सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये सब भी रखेगा, चर्च में भी थोड़ा टच रखेगा ऐसे थोड़ा सा, और इसमें ज्यादा पाव को रखेगा, इसमें एक अंगुली को ऐसे रखेगा, जरूरी होने से ऐसे पकड़ के बाद उल्टा आप बहुत दुखी होगा ऐसे लाइफ जीने से, 100% हालेलुया, परमेश्वर को सरेंडर कीजिए, सब कुछ सरेंडर कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, एंड यू सी हाउ जॉय यू विल रिसीव, हालेलुया, कितना आनंद और कितना खुशी आप मिलेगा, हालेलुया।